Now let's look at the next question. A can do a job in 10 days, B can do the same job in 12 days, and C can do the same job in 15 days. In how many days working together they can complete the job? A को एक काम करने में 10 दिन लगते हैं, B को उसी को काम को करने में 12 दिन लगते हैं और C को 15 दिन लगते हैं। अगर वो साथ में काम करें तो उन्हें टोटल कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें दो की जगह तीन लोग काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ए को 10 दिन लगते हैं काम पूरा करने में, तो वो एक दिन में 1/10 काम करेगा। सिमिलरली अगर बी को 12 दिन लगते हैं काम करने में, तो वो एक दिन में 1/12 काम करेगा। सी को 15 दिन लगते हैं पूरा काम करने में, तो सी एक दिन में 1/15 काम करेगा। तीनों लोग अगर साथ में काम करें तो एक दिन में वो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12 काम करेंगे। तीनों का एक एक दिन का काम ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, तो आएगा 15/60 विच इज इक्वल टू 1/4। इट मीन्स तीनों मिलकर एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग एलसीएम अपने आप निकाल के और ये सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं टाइम स्पेंड करूंगा। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में 1/4 काम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो उन्हें चाहिए टू कंप्लीट द जॉब, पूरा काम करने के लिए उन्हें 4 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था शुरू में, कि अगर कोई इंसान या कोई टीम एक दिन में 1/n अमाउंट ऑफ वर्क करता है, तो उसे टोटल पूरा काम करने के लिए n नंबर ऑफ डेज चाहिए होता है, विच इज द इनवर्स ऑफ देयर 1 डेज जॉब। तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ देयर 1 डे जॉब इज 4 डेज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 4 डेज। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, बी वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज ए, दे बोथ वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, ऑन द 6th डे दे कंप्लीट द जॉब विद द हेल्प ऑफ सी, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द जॉब इन नंबर ऑफ डेज। तो ए को एक काम करने में 20 दिन लगते हैं, बी की स्पीड ए से डबल है, वो दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं और 6th डे पे वो काम को पूरा कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सी। सी की हेल्प से वो पूरा काम 6th डे पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी अगर अकेला काम करे तो उसे कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में? सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बी ए से डबल स्पीड पे काम करता है, विच मींस बी को ए के कंपैरिजन में आधा समय लगेगा कोई भी काम करने में। तो अगर कोई इंसान दूसरे से डबल स्पीड में काम करता है, तो उसको आधा समय ही चाहिए उस सेम काम को करने में। सो बी को ए से आधा समय लगेगा, विच मींस 10 डेज ही लगेंगे टू कंप्लीट द जॉब। अब ए क्योंकि 20 दिन में पूरा काम करता है, तो ए एक दिन में 1/20th काम करेगा और बी एक दिन में 1/10th काम करेगा इन 1 डे, राइट? ये हमारा पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन है। अब दोनों मिलकर एक दिन में 1/20 प्लस 1/10 काम करेंगे, दोनों का एक एक दिन का काम हम ऐड कर देंगे। इफ वी सॉल्व दिस 1/20 प्लस 1/10, दिस इज इक्वल टू 3/20। तो वो दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 काम कर लेंगे। अब उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया था, तो 5 दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? 5 टाइम्स एक दिन का काम, तो हमें 5 मल्टीप्लाइड बाय उनका एक दिन का काम जो कि 3/20 है, तो हम 5 से 3/20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका 5 दिन का काम आ जाएगा। तो 5 × 3/20 इज 3/4 ऑफ द जॉब, विच मीन्स वो 5 दिन में 3/4 ऑफ द जॉब कर लेंगे। 3/4 काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट डे के लिए उनके पास कितना काम बचा है? 1/4 ऑफ द जॉब। सो 5 दिन के बाद उनके पास जो बचा हुआ काम है वो 1/4 है, क्योंकि 3/4 काम हो चुका है, तो खाली 1/4 काम बचा हुआ है। 1 - 3/4 इज 1/4। तो अब उन्हें 6th डे पर
विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से 1/4 काम करना है। सो लेट्स से सी अकेला काम को खत्म करने में एक्स नंबर ऑफ डेज लेता है, अगर ए और बी नहीं होते तो सी अकेला पूरा काम अगर खत्म करना होता तो उसे एक्स डेज लगते हैं, तो सी एक दिन में 1/x काम करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब अगर तीनों ए बी और सी साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3/20 + 1/x। 3/20 ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं जस्ट जो हमने यहां कैलकुलेट किया है ऊपर, और 1/x इज द अमाउंट ऑफ वर्क जो सी एक दिन में करता है। तो अगर हम 3/20 और 1/x को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं। नाउ ऑन सिक्स्थ डे, छठे दिन उन लोगों को 1/4 ऑफ द जॉब करना है, जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि 5 दिन के बाद उनका बचा हुआ काम इज 1/4 जो कि उन्हें छठे दिन कंप्लीट करना है। तो अब 3/20 + 1/x जो कि उनका एक दिन का काम है, That would be equal to 1/4. वो 1/4 के बराबर होगा। उनका एक दिन का काम जो वो एक दिन में कर सकते हैं ए बी सी साथ में मिलके, वो सिक्स्थ डे पे वो तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो 3/20 + 1/x काम होगा और वो इक्वल होना चाहिए 1/4 के, तभी काम पूरा होगा क्योंकि उन्हें सिक्स्थ डे पे 1/4 काम पूरा करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3/20 + 1/x इज इक्वल टू 1/4 को, तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 10 days, राइट? सो c अगर अकेला काम करने जाएगा तो उसको 10 दिन लगेंगे। ये x इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय c अलोन। c अगर अकेला काम करता है तो उसको x नंबर ऑफ डेज लगते हैं, सो x की वैल्यू आएगी 10। सो हमारा आंसर होगा c 10। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।